नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ड्रेन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ड्रेन बनी हुई है, इसका काम चल रहा है स्लैब का। और इसमें हमने 200 mm की वॉल, ड्रेन वॉल दी है। ये जो आप देख रहे हैं इसको ड्रेन वॉल बोलते हैं, और ये नीचे वाली जो स्लैब डली है इसको ड्रेन राफ्ट बोलते हैं। तो ड्रेन वॉल की थिकनेस 200 mm है और ड्रेन राफ्ट भी हमने 200 mm की रखी है। इसमें हमने ड्रेन वॉल में 10 mm का स्टील यूज किया है, डबल मेस का। दोनों फेस में स्टील अपना यूज हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्लैब की शटरिंग चल रही है, जो कि हम प्लेट से कर रहे हैं और नीचे बल्ली का सपोर्ट देते हुए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका रीइंफोर्समेंट क्या, डिटेलिंग क्या यूज कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे हमने 20 mm का स्टील मेन बार के लिए यूज किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ड्रेन का इनर टू इनर 1 meter है विड्थ, और 20 mm का हम लोगों ने 70 mm की स्पेसिंग में रिइंफोर्समेंट अरेंजमेंट किया हुआ है, और 8 mm का टॉप रिइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 mm का यूज किया हुआ है। यहाँ पे इतनी हैवी थिकनेस देने का 175 mm थिकनेस का मेन रीजन है कि इधर पे हैवी लोड आने वाला है, जहाँ से हैवी व्हीकल निकलने वाले हैं, इसलिए हमने 20 mm का स्टील यूज किया है और 175 mm थिकनेस की स्लैब रखी है। यहाँ पे हम 100 mm का भी स्लैब रख सकते थे 8-10 mm का स्टील यूज करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके की स्लैब हमारी दिखने वाली है कास्टिंग होने के बाद। और ये बीच का स्पेस जो आप देख रहे हैं वो हम लोगों ने इसलिए छोड़ा है, इधर पे हम लोग प्री कास्ट स्लैब रखेंगे ताकि यहाँ इधर से कभी कुछ काम करना हो, हटाना हो, तो हटा जा सके और साफ़ सफाई भी किया जा सके। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए प्री कास्ट स्लैब हम लोगों ने पहले से कास्ट करके रखे हुए हैं, जो कि हम प्लेस करेंगे बीच के स्पेस पर। इसमें इसकी विड्थ भी 300 mm है और 1400 mm लेंथ है, और इसमें भी 20 mm का स्टील यूज किया हुआ है। इसको हम इसमें होल छोड़े गए हैं ताकि इसमें हुक लगाया जा सके और इसको हम प्लेस करेंगे। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।